हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स ये चार्ट एक्साइड इंडस्ट्रीज का है आप इसके पांच दिनों के मूवमेंट की अगर बात करेंगे तो पांच दिन के पहले एक सौ साठ रूपए तीस पैसे से जो ये रनअप शुरू हुआ इस समय एक पर ये क्लोजिंग लगा चुका है और इन पांच दिनों में अगर आप देखें तो एक सौ चौहत्तर रुपए ये स्टॉक गया है और उसके बाद कंटिन्यूसली इसमें एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है अगर एक महीने की चार्ट की बात करें तो इसमें आप देखिए कि इसका जो रनअप स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था एक रुपए से एक रुपए पर जाने के बाद ये स्टॉक भाई 175 और उसके बाद 171 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग करता हुआ दिख रहा है तीन महीने की क्लोजिंग की बात करें तीन महीने का जो रनअप इसका शुरू हुआ वो शुरू हुआ 20 जुलाई से एक सौ से अब ये स्टॉक एक सौ से लगातार मूवमेंट करता हुआ आपको 175 तक जाता है और 171 पर यहाँ पर स्थिर होता हुआ दिख रहा है लेकिन इसमें ये स्थिरता नहीं है इसमें एक अपसाइड होने की संभावना जताई जा रही है छह महीने का बीच आप देखें तो इसमें मूवमेंट वही जुलाई से ही होना शुरू हुआ था और उसके पहले का अब अगर आप देखें तो एक डाउनवर्ड एक स्लोप यहां पे आपको दिखता है तो फ्रेंड्स 20 जुलाई के पहले ये एक चैनल है इस चैनल के अंदर ये एक टेरिटरी में ट्रेड कर रहा था और उसके बाद जब इसने अपनी बॉटम हिट की बीस जुलाई को और उसके बाद से ये वहां से जो रनअप इसने स्टार्ट की है तो वो एक तक सीधे गई और एक तक इस समय देख सकते हैं आप कि यहां से एक अच्छा खासा मूवमेंट यहां पे आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स इस स्टॉक के रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करें तो इस समय इसका जो इंडेक्स है वो 69 है और प्राइस जो है वो 171 है तो अभी ओवरबॉट की सिचुएशन नहीं है इसमें कुछ अपसाइड जरूर है और वॉल्यूम से आपको इसका कंसिडरेशन कर लेना चाहिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो लगातार यहां पर बना हुआ है और पिछले हफ, पिछले पांच दिनों में तो इसमें वॉल्यूम ने जबरदस्त स्पाइक देखी गई है तो एक डिसेंट लेवल पर यहां पे आरएसआई आपको दिख रहा है फ्रेंड्स अगर बात करें इसके जो रन 20 जुलाई से हुआ वहां से अगर हम एक फेबोनाची एक्सटेंशन लेने की कोशिश करते हैं तो जो अगले जो टारगेट निकल करके सामने आ रहे हैं वो काफी इंप्रेसिव टारगेट हैं यहां पे अगर आप 61 परसेंट पे देखें तो 196 के टारगेट निकल करके आ रहे हैं और इसके बाद जो बड़ा टारगेट है 1.618 का वो 219 का टारगेट है जो कि यहां पर आपको एज आई सेट की जो मैंने बताया कि 20 जुलाई से एक्सटेंशन करके अगर देखना हो तो उस पर किया जा सकता है रिसेंट पे अगर हम फेबोनाची एक्सटेंशन को इंप्लीमेंट करते हैं जो कि हाल के रनअप है जो कि जिसकी बात अगर हम करें एक सौ रुपए से अगर फेबोनाची एक्सटेंशन इंप्लीमेंट करें 22 अगस्त के हिसाब से तो कुछ जो तो जो टारगेट निकल करके सामने आ रहे हैं वो एक पहला टारगेट है और उसके बाद एक और 61 परसेंट पे 181 और 78 परसेंट पे 184 एटी और उसके बाद 1.618 पर दो सौ रुपए के टारगेट आपको निकल करके सामने आ रहे हैं तो यहां पर ये टारगेट निकल करके सामने आ रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि एक्साइड इंडस्ट्री में जो रनअप है वो शुरू हुई 20 जुलाई के आसपास और वहां से ये स्टॉक काफी अच्छा यहां इसने रनअप लिया है और एक रुपए पर यह पहुंच चुका है और इसकी जो आर है वो इस समय सिक्सटी के आसपास है तो एक अच्छे बॉट पोजीशन पे स्टॉक है वॉल्यूम की स्थिति ठीक ठाक चल रही है और अगर फेबोनाची एक्सटेंशन अगर हम इसमें इंप्लीमेंट करते हैं तो दो रुपए के ऊपर के टारगेट यहां पे निकल करके सामने आ रहे हैं यहां आपको एक क्वेश्चन जरूर रखना होगा एक स्टॉक लॉस आपको इस लेवल का यानी वन का एक स्टॉप लॉस और एक जो ऊपर लेवल ऊपर के लेवल का स्टॉप लॉस है वो है 160 वो जरूर मेंटेन कर लेना चाहिए तो फ्रेंड्स आई होप कि एक्साइड इंडस्ट्री पर ये जो ट्रेडिंग व्यू है और साथ ही साथ पोजिशनल व्यू है ये आपको इस स्टॉक के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग देगा थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स